वेल हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग और डिटेल रिव्यू करने के लिए जा रहे हैं JBL की तरफ से हाल फिलहाल में ही लॉन्च किया हुआ एक ब्लूटूथ वायरलेस ईयरफोन का, जिसका मॉडल नंबर आ जाता है आपका T115BT। जी हाँ, इसे जो है JBL ने इंडिया के अंदर में हाल फिलहाल में ही लॉन्च किया गया है। वैसे तो बाहर की कंट्रीज में आपको ये पहले से ही मिल रहा है, बट मैंने इसे जो है अमेजोन से परचेस किया है 1799 के प्राइस पॉइंट पे। इसे फिलहाल कंटिन्यू 2 दिन हो गए हैं मुझे इसे यूज करते हुए, और इन 2 दिन में जो भी इसके प्रोज हैं कौन से, उसे मैंने नोट डाउन कर लिए हैं, जो कि मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। साथ के साथ में इसका मैं जो है वो गिव अवे भी करने वाला हूं, तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना होगा, ये कंपलसरी। साथ में जो है मैं इस वीडियो के अंदर में आपसे 2 क्वेश्चंस पूछूंगा, उसके जो जवाब हैं आपको कमेंट सेक्शन में आपको बताने होंगे। मैं कोशिश करूंगा कि इस मंथ के लास्ट तक जो है इसके लिए जो विनर है उसको अनाउंस करने का, उसकी जो अनाउंसमेंट है मैं अपने या तो ट्विटर अकाउंट पे या फिर अपने इंस्टा के अकाउंट पे जो है वो आपको पोस्ट कर दूंगा। तो उसके लिए आप जो है मुझे ट्विटर पे या फिर इंस्टा पे जो है वो फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर में मैं डाल दूंगा, आप जाके फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट जो है इसका हम अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं पहले कि इसके बॉक्स के अंदर में हमें क्या क्या मिल जाता है। सो दोस्तों, तो ये रहा हमारे सामने में JBL का ट्यून 115BT का जो है वो बॉक्स, और यहाँ पे सामने की साइड में आपको काफी बड़ी ब्रांडिंग और साथ में इसका फोटोग्राफ भी आपको देखने को मिल जाता है। वहीं पे थोड़े बहुत फीचर भी आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं पे अगर मैं बैक साइड की बात करूँ तो बैक साइड में आपको जो है एक ट्रांसपेरेंट कटआउट के अंदर में जो है आपको आपका जो है ईयरफोन सामने देखने को मिल जाता है। साथ में यहाँ पे थोड़े बहुत आपको जो है फीचर्स के बारे में भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे आपको जो है यही आपको बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाता है। तो चलिए इसके बॉक्स को जो है हम यहाँ पे सील है, इस सील को जो है हम कर देते हैं कट और देखते हैं कि इसके बॉक्स को हमें क्या क्या और मिल जाता है। तो ये हमारा हो गया सील कट, और चलिए बॉक्स को करते हैं हम यहाँ से ओपन, और ये हमारा बॉक्स निकल के आ गया बाहर। तो इस डब्बे को करते हैं हम साइड में और देखते हैं कि बॉक्स के अंदर में क्या क्या और कॉन्टेंट मिलता है। तो भाई सबसे पहले तो हमारे पास आ जाता है एक ऑरेंज कलर का, जो नॉर्मल अक्सर JBL के साथ में आता है। यहाँ पे आपको USB 2 Type माइक्रो USB आपको जो है केबल मिल जाता है, जिसके थ्रू आपको इसे चार्ज करना होगा। तो इसे भी कर देते हैं हम साइड में। साथ में आपको एक जो है 2 एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ईयर टिप्स या ईयर कैप जो आते हैं सिलिकॉन के रबराइज मटेरियल के, वो आपको देखने को मिल जाएगा, लार्ज साइज और स्मॉल साइज का। मीडियम वाला इसके अंदर में ऑलरेडी लगा हुआ है, तो इसको भी मैं कर देता हूँ साइड में। साथ में जो है आपका ऑफकोर्स जो है आपका यहाँ पे ईयरफोन आपको देखने को मिल जाता है। तो ये आपका ईयरफोन आपको देखने को मिल जाता है, इसे भी करता हूँ साइड में। अंदर देखते हैं और क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे अंदर जो है आपको यहाँ पे मे भी आपको क्विक स्टार्ट गाइड यहाँ पे देखने को मिल जाता है। साथ के साथ इसके अंदर में आपको जो है वारंटी कार्ड देखने को मिल जाएगा और इंस्ट्रक्शन मैनुअल आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे बॉक्स के अंदर में एक ये आपका जो है JBL का ईयरफोन, आपको 2 एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ईयर टिप्स, आपको जो है माइक्रो USB जो है आपका चार्जिंग केबल देखने को मिलता है। तो ये सारा का सारा कंटेंट आपको इसके बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाता है दोस्तों। तो ये थी इसकी अनबॉक्सिंग। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने गिव अवे के पहले क्वेश्चन का, और वो है ये कि भाई इसके अंदर में कितने mAh की बैटरी यूज करी गई है कंपनी की तरफ से। अब वो कितने mAh की बैटरी है वो मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो अब बात करते हैं इसके प्रोज और कॉन्स के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं इसके लुक्स और इसके डिज़ाइन का। तो यहाँ पे अगर मैं लुक की बात करूँ तो कंपनी ने आपको कई सारे कलर वेरिएंट में आपको ये देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ब्लैक मिल जाएगा, वाइट मिल जाएगा, कोरल मिल जाएगा, ब्लू मिल जाएगा, ग्रे मिल जाएगा, और भी आपके कलर्स यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं चूज करने के लिए। मैंने नॉर्मली जो है मेरे को पसंद है ब्लू और ब्लैक, तो यहाँ पे मैंने ब्लू वाला ऑर्डर किया था। तो ब्लू कलर भी जो है काफ़ी अच्छा आपको लुक प्रोवाइड कराता है, काफ़ी अट्रैक्टिव लुक आपको जो है ब्लू वाले में भी देखने को मिल जाता है। तो लुक वाइज तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिलता है कलर अगर देखें तो। वहीं पर अगर मैं इसके डिज़ाइन की बात करूँ तो यहाँ पर डिज़ाइन जो है वो बिहाइंड द नेक आपका दोनों साइड वेट जो है वो आपका बैलेंस वेट वाला जो डिज़ाइन आता है उस टाइप का मिलेगा, यानी कि नेक बैंड वाला डिज़ाइन नहीं है आपका, जो है बिहाइंड द नेक है और जो है बैलेंस आपका जो दिया गया है दोनों साइड पर। तो यहाँ पे यही आपको डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। ये भी डिज़ाइन ठीक ठाक ही है, देखिए कुछ लोगों को ये पसंद आता है, कुछ लोगों को बिहाइंड द नेक वाला पसंद आता है, तो अपने अपने प्रेफरेंसेज है। तो मुझे यहाँ पे डिज़ाइन से ज़्यादा उतना कुछ नहीं है, बट यही डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है। तो डिज़ाइन वाइज भी आपको ठीक ठाक यहाँ पे देखने को मिल जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके
बिल्ड क्वालिटी के, इसके कंस्ट्रक्शन की। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी की, तो यहाँ पे आपको रबर और प्लास्टिक यही दो मटेरियल आपको इसके अंदर में देखने को मिल जाता है। अगर मैं इसकी बात करूँ वायर की, तो यहाँ पे वायर सबसे अच्छी बात यह है कि वायर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और जो है आपका यहाँ पे फ्लैट केबल के साथ आता है, यानी कि टेंगल होने के बहुत ही कम चांसेस हो जाते हैं। वैसे टेंगल तो ये भी हो जाता है बट फिर भी चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो फ्लैट वायर मिलता है और वायर की क्वालिटी अच्छी है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ इसके कंट्रोल्स वगैरह कि तो कंट्रोल्स की बात करूं तो ऊपर के साइड में सारा कंट्रोल आपका दिया है, ये टोटली आपका जो है ना किसी टाइप का रबर का यहां पे यूज किया गया है, जो कि आपको काफी अच्छी फिनिशिंग के साथ में मिलता है। बट बाकी जो पोर्शंस है वो आपका जो है टोटली प्लास्टिक का यहां पे देखने को मिल जाता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं इसके ईयरबड्स की, तो ईयरबड्स का जो है वो भी आपको टोटली जो है यहां पे आपको देखने को मिलेगा प्लास्टिक का यूज किया गया है, साथ में यहां पे JBL की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाती है। वहीं पे अगर मैं इसके आपका ईयर टिप्स की बात करूं या ईयर कैप की, तो वो काफी जो है सिलिकॉन टाइप का जो मटेरियल आता है रबराइज्ड मटेरियल उसका है और काफ़ी सॉफ्ट है यहाँ पे, और लुक जो है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे ब्लू वाले में आपको देखने को मिल जाता है इस टिप का। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वाइज बताऊँ तो आपको रबर और आपको प्लास्टिक का यूज किया गया, बट यहाँ पे चीप प्लास्टिक नहीं है, चीप रबर की क्वालिटी नहीं है। JBL से जो एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंगली काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको मिल जाता है इसकी बिल्ड क्वालिटी भी, इसके देखते हुए प्राइस पॉइंट को। तो यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी तो ऐसी ही है। अब बात कर लेते हैं इसके कंफर्ट की, इसके फील की। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो इसको तकरीबन मैंने 2-2.5 घंटे कंटिन्यूसली यूज किया गया, तो 2-2.5 घंटे के यूजेज में मुझे ऐसा लगा कि मीडियम वाला जो टिप आता है आपका सिलिकॉन का जो ईयरबड का टिप आता है उसको यूज करते हुए मुझे ऐसा लगा कि कंटिन्यूसली 2.5 घंटे तक आप यूज करते हैं तो उसको जो है थोड़ा सा आपको हल्का सा पेन आपको ईयर में करता है, बट एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप 2 घंटे यूज करते हैं फिर अगर 10-15-20 मिनट के लिए निकाल लेते हैं तो फिर आप लगाते हो तो ऐसे में आपको दिक्कत नहीं आएगी, वो कंफर्ट होगा। बट मुझे थोड़ा सा लगा कि हाँ यहाँ पे पेन कर रहा है, बट अगर आप 1-1.5 घंटा यूज करते हैं तो यहाँ पे आपको पेन फील नहीं होगा, ठीक ठाक है, यानी कि मतलब मामूली पेन है, उतना ज़्यादा भी पेन आपको नहीं मिलेगा। तो कम्फर्ट वाइज जो है ठीक है, ग्रिप जो है काफ़ी अच्छा आपके कान में ये बनाता है, अच्छी तरीके से फिट हो जाता है, कहीं पर हिलाएंगे आप सर्वर को तो ये जल्दी ग्रिप लूज नहीं करता, तो ग्रिप अच्छा है। कम्फर्ट में हल्का सा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है ठीक ठाक है। अब बात कर लेते हैं इसके भाई माइक्रोफोन की क्वालिटी की, कि माइक्रोफोन का परफॉर्मेंस कैसा है। तो भाई मैं आपको साफ साफ बताऊं यहां पे तो माइक्रोफोन की जो परफॉर्मेंस है वो कुछ उतने अच्छे लेवल का मुझे यहां पे देखने को नहीं मिला, एवरेज लगा है, यानी कि आप मतलब काम चला सकते हैं, बातचीत हो रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके बैटरी डिपार्टमेंट की। तो यहाँ पे कंपनी ने इसके अंदर में आपको 160 mAh की बैटरी का यूज किया गया है और कंपनी का ये कहना है कि ये तकरीबन आपको 8 घंटे का प्लेबैक टाइम दे देगा। बट मेरे टेस्टिंग के अंदर में इसको मैंने फुल चार्ज करने के बाद जब इसको टेस्ट किया है तो 85-90%, जो कि आपको पता है कि मैं हमेशा 85-90% पे टेस्टिंग करता हूँ, तो यहाँ पे उस वॉल्यूम लेवल पे 85-90% वॉल्यूम लेवल पे इसने मुझे तकरीबन 7 घंटे का प्लेबैक टाइम यहाँ पे देखने को मिल गया। यानी कि अगर आप 50-60% वॉल्यूम लेवल पे इसको यूज करते हैं तो तकरीबन मुझे लगता है कि आपको 9-9.5 घंटे के आसपास का प्लेबैक टाइम ये आपको दे देगा, जो कि कंपनी जितना क्लेम करी है उससे ज्यादा है। तो यहाँ पे ठीक ठाक आपको प्लेबैक टाइम आपको इसके बैटरी से मिल जाता है। वहीं पे ये क्विक चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, यानी कि आप 15 मिनट इसको चार्जिंग करते हैं तो ये तकरीबन 1 घंटे का प्लेबैक टाइम आपको देगा। बट ऑफिशियली मैंने इसको टेस्ट नहीं किया तो मैं आपको ये नहीं बता सकता, बट कंपनी का ये कहना है तो शायद ये होगा। और वहीं पर अगर मैं चार्जिंग टाइम की बात करूँ तो ये तकरीबन 2 घंटा आपका ले लेता है पूरी तरीके से आपका चार्ज होने में। तो बैटरी डिपार्टमेंट में मुझे लगता है कि ये ठीक ठाक ही काम कर रहा है। अगर मैं इसके कनेक्टिविटी की यहाँ पे बात करूँ तो कनेक्टिविटी में कंपनी ने इसके अंदर में ब्लूटूथ 4.2 का जो है वो यूज किया है और कनेक्टिविटी वाइज जो है काफ़ी अच्छे यहाँ पे काम मुझे देखने को मिला है। अगर आपके स्मार्टफोन और आपके ईयरफोन के बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है तो तकरीबन ये 26 मीटर का रेंज जो है अच्छे से प्रोवाइड कराएगा विदाउट सिग्नल को लूज किए हुए, उसके बाद में सिग्नल कटना चालू हो जाता है। वहीं पर अगर आपके ब्लूटूथ ईयरफोन और आपके स्मार्टफोन के बीच में कोई डिस्टर्बेंस है तो तकरीबन इसने मुझे जो है 9 मीटर का जो है वो रेंज प्रोवाइड किया है, उसके बाद में कट ऑफ होना स्टार्ट हो गया ये। तो यहाँ पे ब्लूटूथ 4.2 के अकॉर्डिंगली ये काम करता हुआ दिखाई दिया है। वहीं पे कंपनी जो है इसके अंदर में आपको एक एक्स्ट्रा फीचर देती है ड्यूल पेयरिंग का, यानी कि आप एक ही टाइम में एक ही वक्त में दो डिवाइस के साथ में इसको कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप लैपटॉप से भी कनेक्ट कर सकते हैं, स्मार्टफोन है उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं एक ही टाइम में। यानी कि आप अगर लैपटॉप पर कोई वीडियो देख रहे हैं और तभी आपके स्मार्टफोन पर कोई कॉल आ जाता है अर्जेंट, तो आपका ऑटोमेटिकली जो है आप कॉलिंग मोड में चला जाएगा, आप कॉल को रिसीव कर सकते हो। तो ये काफी अच्छा यहाँ पे फंक्शन देखने को मिला है, बट ये सिर्फ आपका दो ही डिवाइस, मैक्सिमम दो ही डिवाइस से एक बार में आपका कनेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे ये फीचर भी काफी अच्छा यहाँ पे देखने को मिल जाता है।
अब चलिए बात कर लेते हैं अपने गिव अवे के दूसरे क्वेश्चन का। तो वो ये है कि भाई इसके अंदर में जो है वो आपका कौन सा ब्लूटूथ वर्जन यूज किया है, वो आपको इसके कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। तो ये दो क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। अब बात कर लेते हैं इसके सारे के सारे कंट्रोल सिस्टम की। तो अगर मैं इसके कंट्रोल्स की बात करूं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके ईयरबड्स का, जो कि मैग्नेटिक ईयरबड्स यहां पे आपको देखने को मिल जाता है। तो इस मैग्नेटिक ईयरबड्स का मैं आपको बताऊं तो सही मायने में कोई काम नहीं है यहां पे, क्योंकि यहां पे ना तो आपके सॉन्ग्स प्ले होते हैं, ना ही रिज्यूम होते हैं, ना ही कॉल डिस्कनेक्ट या रिसीव करते हैं। मतलब ऐसा कोई फंक्शन इसके मैग्नेटिक ईयरबड में नहीं देखने को मिलता है। साथ में इसका जो मैग्नेट है वो कुछ उतना ज़्यादा खास पावरफुल भी यहां पे देखने को नहीं मिलता। तो यहां पे इस चीज़ का तो कोई फायदा यहां पे देखने को मुझे नहीं मिला है। वहीं पे अगर मैं कंट्रोल्स की बात करूं तो सारा का सारा कंट्रोल्स आपको राइट हैंड साइड वाले जो पोर्शन है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। यहां पे आपको बीच में जो है मल्टी फंक्शन बटन जो आता है उसका वो देखने को मिलेगा। इसे आप 2 सेकंड तक प्रेस करके रखते हैं तो ये आपका ऑन हो जाता है, उसी तरीके से आपका ऑफ भी हो जाता है। इसके जरिए आप म्यूजिक को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आपको प्ले करना है तो एक बार प्रेस कीजिए तो आपका जो म्यूजिक है वो आपका प्ले हो जाएगा, फिर दोबारा एक बार प्रेस करेंगे तो म्यूजिक जो है आपका वो पॉज हो जाएगा। वहीं पे कॉल्स को रिसीव और डिस्कनेक्ट भी आप इसी के जरिए कर सकते हैं। प्लस और माइनस वाले बटन से जो है आप वॉल्यूम को जो है इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से आपको टैप कर कर करके आपको प्लस होगा, ऐसा नहीं कि कंटिन्यूसली दबा के रखेंगे। वहीं पर अगर आपको सॉन्ग्स को जंप कराना है, आगे अगर लेके जाना है, तो यहाँ पे आपको जो है प्लस वाले को 2 सेकंड तक आप दबा के रखेंगे तो सॉन्ग जो है आपका आगे जंप आप इसको इजिली करा सकते हैं। वहीं पर पीछे कराना है तो माइनस वाले से आपका पीछे हो जाता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं कॉल्स को जो है आपका ड्यूल पेयरिंग वाला जो सिस्टम है इनका जो ड्यूल पेयरिंग है उसके लिए, तो यहाँ पे आपको बीच वाला मल्टी फंक्शन बटन और प्लस वाले को एक साथ में आप कंटिन्यूसली 2 सेकंड तक दबा के रखेंगे तो ये आपका ड्यूल पेयरिंग में चला जाता है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका इसका जो है वो कंट्रोल काम करते हुए देखने को मिल जाएगा। तो कंट्रोल्स में आपको यही सब कुछ देखने को मिल जाता है दोस्तों। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके ऑडियो की परफॉर्मेंस का। तो यहाँ पे कंपनी ने इसके अंदर में 8.6 mm का डायनेमिक ड्राइवर का यूज किया है। अब इसका जो ऑडियो का परफॉर्मेंस है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बेस की, तो आपको पता ही है कि JBL है तो यहाँ पे बेस तो होगा ही। तो जी हाँ, यहाँ पे बेस अच्छा है यहाँ पे, यानी कि आपको बेस के अंदर में थंप देखने को अच्छा मिल जाएगा। वहीं पर बेस के अंदर में जो है पंच देखने को अच्छा मिल जाएगा। वहीं पर अगर मैं डीपनेस की बात करूँ, डीप बेस की बात करूँ, तो डीप बेस जो है लिटिल बिट कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे मुझे देखने को मिला है। मतलब बेस अच्छा है लेकिन थोड़ा सा डीपनेस में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करा, बट फिर भी बेस काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ इसके वोकल्स और इसके ट्रिबल्स की, तो यहाँ पे सेपरेशन भी आपको देखने को मिल जाता है दोनों के अंदर में, और ठीक ठाक यहाँ पे आपका ट्रिबल भी काम कर रहा है, वोकल्स भी काम कर रहा है। तो यहाँ पे वोकल्स और ट्रिबल्स में काफ़ी अच्छा काम देखने को मिला है। बट यहाँ पे अगर मैं इसके मिड्स और इसके हाइस की बात करूँ, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि JBL ने जो है यहाँ पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, यानी कि आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे मिड्स और हाइस में देखने को मिल जाएगा, खास तौर पे जब आपका 90% वॉल्यूम लेवल पे आप इसको यूज करते हैं। बट फिर भी ऐसा नहीं है कि बैलेंस नहीं है, मिड्स और हाइस जो है और लोज जो है वो बैलेंस है, बट उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का मैंने एक्सपेक्टेशन करी थी JBL की तरफ से। बट फिर भी ओवरऑल की बात बताओ तो ओवरऑल आपको ये पसंद आएगा। अगर आप ऑडियो फाइल टाइप के लोग नहीं है ना, एकदम ऑडियो फाइल टाइप के, तो आपको जो है ये जरूर पसंद आएगा। बट आप एकदम ऑडियो फाइल टाइप के लोग हैं तो आपको ये थोड़ा सा निराश कर सकता है। बट फिर भी बेस हेड टाइप के लोगों के लिए ठीक ठाक रहेगा, और कैजुअल यूजर्स जो होते हैं उनके लिए ये काफ़ी ठीक ठाक आपको परफॉर्मेंस देगा ऑडियो डिपार्टमेंट के अंदर में। अगर मैं इसको रेटिंग देना चाहूँ ना, तो 10 में से 8.1 रेटिंग यहाँ पे इसको ऑडियो डिपार्टमेंट के अंदर में दूंगा। तो भाई यही था इसका जो है वो डिटेल्ड रिव्यू। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में जो है शेयर जरूर कीजिएगा। दोबारा मुलाकात होगी आपसे इसी टाइप के किसी वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।